अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद इरफानुद्दीन आप तमाम के सामने टॉपर्स एकेडमी की जानिब से फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि गुज़िश्ता हमारे जो वीडियो लेसन्स हुए उससे आप लोग को फ़ायदा हुआ होगा। आज हम एक नए तस्वुर के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हैं। गुज़िश्ता क्लास में हम लोग मुख्तलिफ तस्वुर देखे थे, आज हम उसके आगे के चंद नए और तस्वुर देखेंगे। उम्मीद के जो वीडियो लेसन्स आप अपलोड किए जा रहे हैं उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे और अपने साथियों से भी शेयर कर रहे होंगे। हमारा ज़िंदगी में हमारे कई ऐसे मौके आते हैं कि हमको आदत को जो है तखावुल करना होता है। तखावुल करना यानी कि कौन सा आदत बड़ा है या कौन सा आदत छोटा है, ये हमको देखना होता है। हम किस तरह आदत का तखावुल करते हैं उसके बारे में आज हम सीखेंगे। आदत का तखावुल करना यानी कि देखना कि कौन सा आदत बड़ा है और कौन सा आदत छोटा है, इसी को हम आदत का तखावुल कहेंगे। कभी हमको दो आदत देकर पूछता है कि कौन सा आदत बड़ा है या कौन सा छोटा है, में कितना फ़र्क है एक दूसरे से, या फिर आदत में कौन बड़ा है कौन छोटा है उसको मालूम करना ही क्या कहलाता है, आदत का तखावुल कहलाता है। हम कैसा मालूम करें? तीन सिंपल स्टेप्स हैं उसमें है, उसके ज़रिए से हम मालूम कर लेंगे। पहला स्टेप क्या है कि आपको जो भी आदत दिए गए हैं उसमें कितने हिस्से हैं हम शुमार करें। क्या स्टेप क्या है? जो भी आपको आदत दिए गए हैं, दो आदत दिए गए हैं, तो आप उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, किसमें कितने हिस्से हैं वो देखेंगे। जिसमें ज़्यादा हिस्से रहेंगे वो आदत क्या बड़ा कहलाएगा। दूसरा स्टेप क्या है? अगर दिए गए आदत में अगर हिस्से बराबर हैं तब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा आदत उन हिस्सों में सबसे बड़ा मुकाम पर कौन सा हिस्सा है देखेंगे। यानी कि जो आदत दिए गए हैं उनमें हज़ार अगर वो चार तीन हिंसी है तो सैकड़े के मुकाम पर किसका आदत किसका हिंसा बड़ा है देखेंगे। अगर चार हिंसी है तो हज़ार के मुकाम पर किसका हिंसा बड़ा है वो देखेंगे। अगर पांच हिंसी है तो 10,000 के मुकाम पर कौन सा हिस्सा किसका कौन से आदत का हिंसा बड़ा है वो हम देखेंगे। अगर यहाँ पर भी मसावी है तब हम क्या करेंगे, उससे कम वाले मुकाम को तकाबुल करके देखेंगे। कम वाले मुकाम पर यानी कि हज़ार है तो हज़ार के अगर मुकाम मसावी है, दोनों के भी दोनों हिस्से मसावी है, तो हम सैकड़े में जाएंगे। सैकड़े में भी अगर मसावी है तो हम क्या करेंगे, दहाई पर जाएंगे, उसके बाद हम इकाई पर जाएंगे। इस तरह हम तीन स्टेप में क्या है, किसी भी आदत का तकाबुल हम कर सकते हैं। चलिए हम आदत के तकाबुल को एग्जाम्पल के ज़रिए से देखेंगे। अभी जो मैं तीन स्टेप्स आपको बोला उसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए से देखेंगे। फर्स्ट करिए, पहला स्टेप क्या बोला था मैं आप लोगों को, हिंसों की तादाद देखें, जिसमें ज़्यादा हिंसे होंगे वो बड़ा आदत कहलाएगा। मिसाल के तौर पर आपको दो आदत यहाँ पर दिया, 413 एक आदत दिया आपको, और साथ में क्या है 54, और आपको एक आदत और 75 दिया। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले स्टेप में क्या है हमको आदत की जो आदत दिए गए हैं उनमें कितने हिंसे हैं वो देख रहे हैं। पहले आदत में कितने हिंसे हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पर इसमें 3 हिंसे हैं। यहाँ पर कितने हिंसे हैं दूसरे आदत में, 1, 2, इसमें 2 आदत। जिसमें ज़्यादा हिंसे होंगे वो आदत क्या होगा, बड़ा कहलाएगा। यहाँ पर कौन सा बड़ा है, 413 बड़ा है किसे, 75 से। तो पहले स्टेप क्या है हमारा, जो आदत दिए गए हैं उसमें हिंसों की तादाद देखेंगे, आदत में ज़्यादा हिंसे हैं वो आदत क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। चलिए दूसरा स्टेप देखेंगे हम, दूसरा केस देखेंगे, उसमें क्या है, हिंसों की तादाद मसावी हो तो सबसे बड़े मुकाम पर मौजूद हिंसा देखेंगे, जिस आदत में बड़ा हिंसा होगा वो आदत बड़ा होगा। चलिए यहाँ पर तो आपको एक में ज़्यादा हिंसे थे एक में कम हिंसे थे, तो आप बोल दिए कि ज़्यादा हिंसे वाला बड़ा है। अगर आपको ऐसे आदत दिया जिसमें हिंसों की तादाद मसावी है, मिसाल के तौर पर आपको एक चार हिंसी आदत दिया, और चार हिंसी आदत देकर आपको पूछ रहा कि इन दोनों में कौन सा आदत बड़ा है, तब क्या करेंगे आप, हिंसों की तादाद मसावी हो तो सबसे बड़े मुकाम पर मौजूद हिंसा देखेंगे। सबसे बड़ा मुकाम कौन सा है, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार का मुकाम यहाँ पर क्या है, बड़ा है। हज़ार के मुकाम पर क्या है, यहाँ पर 5 है। पहले अदद में हज़ार के मुकाम पर 5 है, दूसरे अदद में हज़ार के मुकाम पर क्या है, 4 है। तो क्या बोल रहा हमारे को, जिस अदद में बड़ा हिंसा होगा वो अदद क्या होगा, बड़ा कहलाएगा। तो यहाँ पर पहले अदद में 5 है, दूसरे अदद में 4 है, तो यहाँ पर कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है या 4 बड़ा है, ऑब्वियसली 5 बड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जवाब क्या होगा, 5826 बड़ा है 4227
17 से। इस अलामत को हम बड़ा है की अलामत कहेंगे, ग्रेटर देन की। जिस तरफ मुंह खुला रहता है उस तरफ का अदद क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। तो ये दूसरा स्टेप समझ में आया होगा आप लोगों को, जिस अदद का बड़े मुकाम पर हिंसा बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, बड़ा अदद कहलाएगा। देख लिए पहला स्टेप, देख लिए दोनों के हिंसे मसावी हैं। चलिए उसके बाद दूसरा स्टेप क्या देख लिए आप, के हिंसे मसावी हैं दोनों के भी। तब हम दूसरे स्टेप में क्या देखेंगे, बड़े मुकाम पर कौन सा हिंसा है वो देखेंगे। वहाँ पर भी अगर मसावी रहे हिंसे तब हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप की तरफ जाएंगे। तीसरा स्टेप क्या है हमारा, बड़े मुकाम पर मौजूद हिंसे मसावी हों तो उससे कम वाले उससे कम मुकाम वाले हिंसों को देखेंगे। मसलन 1000 के मुकाम वाले हिंसे मसावी हों तो सैकड़ों को देखेंगे, अगर ये भी मसावी हों तो दहाई को देखेंगे, अगर दहाइयाँ भी मसावी निकले तो हम क्या करेंगे, इकाई के मुकाम पर जो हिंसा है उसको देखेंगे। तो जिसमें हिंसा बड़ा होगा, जिस मुकाम का हिंसा भी बड़ा होगा वो अदद क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। हम मिसाल के जरिए से देखेंगे। यहाँ पर हमको आदाद दिया, दो आदाद दिया, देखिए पहला एग्जांपल देखिए, 6521 है और दूसरा आदत क्या है, 6350 है। यहाँ पर इन दोनों का तकाबुल करने के लिए बोल रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, पहले हिंसे देख लेंगे हम, दोनों के भी मसावी हैं, यानी कि इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है। चलिए ये असूल के जरिए से हमको नहीं मालूम हो। दूसरा क्या है, इसमें 1000 के मुकाम पर, यानी कि बड़ा मुकाम कौन सा है, यहाँ पर 1000 का मुकाम है। 1000 के मुकाम पर भी क्या है हमारे को, कोई भी हिंसा बड़ा नहीं है बल्कि दोनों भी मसावी है। यहाँ भी 6 है यहाँ पर भी 6 है। तब हम क्या करेंगे, बड़े मुकाम पर मौजूद हिंसा अगर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, उसके बाद वाला कम वाला कौन सा है मुकाम, सैकड़ा है। सैकड़े पर क्या है वो देखेंगे, अगर जिसके सैकड़े के मुकाम वाला हिंसा बड़ा रहेगा वो अदद क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। चलिए यहाँ देखेंगे हम, 5 है यहाँ पर, 5 है यहाँ पर क्या है, 3 है। तो 5 क्या होता है, 3 से बड़ा होता है। तो इसमें क्या है, 6521 बड़ा है 6350 से। यहाँ पर देखिए दूसरे एग्जांपल में भी 4 हिंसे दिया आपको और उससे आपको मालूम करने के लिए कह रहा है, तकाबुल करने के लिए। बाद में हिंसे भी मसावी हैं और जो है आपको 1000 का मुकाम भी मसावी है, सैकड़े का मुकाम भी मसावी है, सैकड़े पे भी यहाँ पे 3 है यहाँ पर भी 3 है। तब हम क्या करेंगे, दहाई की तरफ जाएंगे, दहाई में देखेंगे हम। दहाई में यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर क्या है, 3 है। इकाई से हमको वास्ता नहीं, पहले दहाई देखेंगे हम। दहाई में अगर बराबर हुआ तो हम इकाई की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दहाई में क्या है, मसावी नहीं है। तो क्या करेंगे हम, जिसका हिंसा बड़ा रहेगा, जिस अदद का दहाई वाला हिंसा बड़ा रहेगा यहाँ पर इस केस में, वो क्या कहलाएगा, बड़ा अदद कहलाएगा। कौन सा बड़ा है यहाँ पर, ये अदद में दहाई का हिंसा बड़ा है, 4330 बड़ा है 4321 से। उम्मीद की आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद ये देखेंगे हम थर्ड एग्जांपल। यहाँ पर 9314 दिया, 9318 दिया। यहाँ पर हिंसों की तादाद भी मसावी है, 1000 का मकाम भी मसावी है, सैकड़े का मकाम भी मसावी है और दहाई का मकाम भी मसावी है। अब हम क्या देखेंगे, इकाइयाँ देखेंगे, जिसके इकाइयाँ बड़े रहेंगे, जिसके इकाई वाला हिंसा बड़ा रहेगा वो अदद क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। तो यहाँ पर बड़ा किसका है, यहाँ पर हिंसा अदद में, इस अदद में बड़ा है 9318 बड़ा है 9314 से। इसको हम ग्रेटर देन की अलामत कहेंगे, बड़ा है की अलामत कहेंगे। उम्मीद कि आपको ये 3 स्टेप्स आसान स्टेप समझ में आए होंगे। चलिए हम 3 असूल के ज़रिए से आदाद का तखावल कर चुके हैं। अगर आपको 2 आदाद ऐसे दिया जिसमें इकाई के, दहाई के, सैकड़े के, 1000 के, फर्ज करो आपको 4 हिंसी आदत दिया, उसमें इकाई पर भी वही हिंसा है, दोनों आदत के इकाई पर भी वही हिंसा है, दोनों आदत के दहाई पर भी वही हिंसा है, दोनों आदत के सैकड़े पर भी वही हिंसा है और 1000 के मुकाम पर भी वही हिंसा है, तब हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जो होता है अगर तमाम मुकाम वाले हिंसे मसावी हों तो वो आदाद क्या कहलाएंगे, मसावी कहलाएंगे। यहाँ पर एक अदद दूसरे अदद से बड़ा नहीं होता, एक अदद दूसरे अदद से छोटा नहीं होता, बल्कि तमाम मुकामात वाले हिंसे अगर मसावी हैं तो वो अदद क्या कहलाएगा, मसावी कहलाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक मिसाल दे रहा हूँ, देखिए 4 हिंसे अदद दूंगा, 4821। एक और अदद लिया मैं, 4821। हम क्या करते हैं, पहले हिंसे कितने हैं गिनेंगे, बोले थे हिंसे दोनों में भी मसावी है, यहाँ भी 4 है वहाँ भी
चार है। उसके बाद क्या बोले थे हम, बड़े मुकाम पर मौजूद हिंसे को देखेंगे, बोले यहाँ पर चार है, यहाँ पर भी चार है, दोनों मसावी है। उसके बाद अगर बड़ा हिंसे मसावी है तो उससे कम वाला कौन सा है, यहाँ पर सैकड़ा है, सैकड़े का देखेंगे, सैकड़े पे आठ है, यहाँ पर भी आठ है, आठ आठ क्या है मसावी होते हैं। उसके बाद क्या है, सैकड़े में मसावी है तो हम क्या करेंगे, दहाई की तरफ जाएंगे, दहाई पर दो है, यहाँ पर भी दहाई पर दो है, चलिए दहाइयाँ भी यहाँ पर मसावी है, तो हम क्या करेंगे अब इकाई की तरफ जाएंगे, इकाई पर क्या है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर देखिए दोनों आदत के तमाम मुकामात पर मौजूद हिंसे मसावी हैं, यानी कि बराबर हैं, तब ये आदात एक दूसरे से बड़े और छोटे नहीं कहलाते, बल्कि क्या कहलाते हैं, मसावी कहलाते हैं, मसावी यानी कि बराबर, न कम न ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए ये आदात का तकाबुल आपको समझ में आया होगा, और अलामतें भी देख लीजिए, इस अलामत को हम क्या कहें, दो आदात का अगर हम तकाबुल कर रहे हैं तो जो बड़ा आदत है उसके तरफ हम ये मुँह खुला रहेगा, इस अलामत को हम बड़ा है की अलामत कहेंगे, बड़ा है, इंग्लिश में हम इसको ग्रेटर देन कहेंगे। अगर हमको छोटा आदत, दो आदत दिया, छोटे आदत की निशानदेही करो बोले तो हम क्या करेंगे, जिस तरफ आदत छोटा है उस तरफ क्या करेंगे हम, इसी ये जो बंद है हिस्सा वो रख देंगे हम, तो ये छोटा है की अलामत, छोटा है की अलामत, ये छोटा है। अगर दोनों आदत मसावी हैं तो ये मसावी की अलामत का हम इस्तेमाल करेंगे, मसावी है, ये अलामतें हम याद रख लेना बड़ा है। उम्मीद कि आपको कंपैरिजन ऑफ नंबर्स यानी कि आदत का तकाबुल करना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे, चलिए आदत के तकाबुल के बाद आदत की तरतीब के बारे में पढ़ेंगे हम। आदत की तरतीब जो है दो तरह की होती है, दो किस्म की होती है, एक है सऊदी तरतीब, इसको हम बढ़ती हुई तरतीब भी कहते हैं, किताबों में हमारे एक और लफ्ज का भी इस्तेमाल हुआ है, बढ़ती हुई तरतीब, इसको इंग्लिश में इसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। एक और दूसरी जो तरतीब है वो है नुज़ूली तरतीब, इसके लिए हम आम जबान में या फिर आम जो है लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, घटती हुई तरतीब, घटना यानी के कम होना, बढ़ना यानी के इजाफा होना। तो यहाँ पर देखिए नुज़ूली तरतीब को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। अगर आपको आदत का एक सेट दिया, एक आदत का गिरोह दिया, और उसमें आपको आदत को तरतीब से लिखने के लिए बोल रहा, तो हम दो तरतीबों में लिख सकते हैं उसको, एक सऊदी तरतीब में लिख सकते हैं, दूसरा नुज़ूली तरतीब में हम लिख सकते हैं। सऊदी तरतीब यानी कि बढ़ती हुई तरतीब, यानी कि हम जो आदात का आपको सेट दिया उसमें आप छोटे आदात से क्या होना, आगे की तरफ बढ़ते जाना है। उसके बाद दूसरी तरतीब नुज़ूली तरतीब में क्या है, आदात के सेट में आपको बड़े आदात से छोटे आदात की तरफ उसको जमाना होता है। यहाँ पर हम मिसाल के जरिए से इसको समझेंगे, यहाँ पर एक मिसाल दिया, देखिए 456, 893, 25, 180 और 100, पांच आदात दिया आपको, यहाँ पर पांच आदात दिया, उसको सऊदी तरतीब में लिखने के लिए बोल रहा, सऊदी तरतीब यानी कि हम उसको इन आदात को बढ़ते हुए में क्या है इसको सेट करना, इन आदात को हम बढ़ती हुई, बड़े जैसे हम आगे जाएंगे आदात में, आदात की कीमत में क्या होते रहना, इजाफा होना, यानी कि आदात बढ़ते जाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें बढ़ती हुई तरतीब, यानी कि हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे छोटा जो अदद है उसको लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये तीन हिंसी है, ये भी तीन हिंसी है, ये दो हिंसी, तीन हिंसी और तीन हिंसी है। तो हम आदत के तकाबुल में देखे थे जिस अदद के हिंसे कम रहेंगे वो सबसे छोटा कहलाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता, 25 आता, 25 हम लिख दिए, चलिए ये हो गया। अब बचे क्या, चार, ये भी तीन हिंसी है, ये भी तीन हिंसी, ये भी तीन हिंसी है, ये भी तीन हिंसी है। अब हम क्या करेंगे, तीन हिंसी अगर हिंसे मसावी है तो बड़े वाले मुकाम पर कौन सा हिंसा है देखेंगे। यहाँ पर चार है, यहाँ पर आठ है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, छोटा हमको छोटे से बड़े की तरफ जमाना है ना, तो ये चार और आठ इन दोनों से बड़े हैं, तो इन दोनों में सबसे छोटे कौन से हैं वो, इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है वो देखेंगे। यहाँ पर देखिए दहाई के मुकाम पर आठ है, यहाँ पर सिफर है, तो सिफर वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो हम सिफर वाला लिख लेंगे। अब उसके बाद बच रहा क्या, अब इन तीनों में कौन सा छोटा है, ये 400 है, ये 800 है, ये 100 है, तो 100 वाला छोटा हो जाएगा, 180। आप गौर करिए ये तरतीब क्या है, बढ़ते जा रही, देखिए पहले 25 है, उसके बाद बढ़ के 100 है, फिर 180 है। अब बचा क्या, ये दो दो आदत बचे, इसमें 400 वाला है, 800 वाला है, 400 और 800 में कौन सा छोटा रहता, 400 वाला छोटा होता है, 459 हो गया। अब बच गया है क्या, ये अदद बच गया 893। देखिए आप इसमें क्या हो रहा, हम छोटे आदात से क्या हो रहा, सबसे बड़े अदद की तरफ
इन आदत के सेट को जमा रहे हैं। तो ऐसी तरतीब जिसमें हम छोटे आदत से बड़ी आदत की तरफ जमाते हैं या तरतीब देते हैं आदत को, उसको हम क्या कहेंगे, सऊदी तरतीब कहेंगे और बढ़ती हुई तरतीब कहेंगे। चलिए, सऊदी तरतीब में क्या कर रहे थे, हम छोटे आदत से बड़े आदत की तरफ गए थे। नुजूली तरतीब में क्या होता है, बड़े आदत से हम छोटे आदत की तरफ जाएंगे। चलिए, इसमें यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदत दिया। सऊदी तरतीब में हम क्या कर रहे थे, छोटे आदत की तरफ से बड़े आदत की तरफ जमाए थे, आदत को तरतीब दिए थे। नुजूली तरतीब में इसका उल्टा होता है बिल्कुल, हम बड़े आदत से छोटे आदत की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये आदत का एक सेट दिया हमको, इसमें सबसे बड़ा आदत कौन सा है पहले वो लिख लेंगे हम। ये 3 इंची, 4 इंची, 4 इंची, 3 इंची, 2 इंची, 1 इंची और 2 इंची है। तो जिसके हिंसे बड़े रहे उन्हें क्या कहलाएंगे, बड़ा कहलाएंगे। यहाँ पर चार, ये भी 4 इंची है, ये भी 4 इंची है। तो अब यहाँ बाकी 3 इंची है, हम उसको बाद में देखेंगे। ये 4 इंची में कौन सा बड़ा है कैसा मालूम करेंगे हम, बड़े मुकाम का हिंसा देखेंगे। इसका बड़ा मुकाम क्या है, 1000 वाला ये है, इसका भी 1000 वाला ये, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, दोनों क्या हो गए 1000 के मुकाम पर मसावी। उसके बाद वाला कौन सा है, हम मसावी रहा तो 1000 वाला हम सैकड़ा देखेंगे। सैकड़े में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, 0 है। तो जिसका सैकड़े का हिंसा बड़ा रहा वो आदत क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा है, 1295 बड़ा है। चलिए, ये आदत को हम लिख लिए, ये हो गया। अब बचे क्या, इन आदत में देख लेंगे हम कौन सा बड़ा है, 3 इंची, 4 इंची, 3 इंची, 2 इंची, 1 इंची, 2 इंची। तो चार, इसमें सबसे बड़ा इंची कौन सा है, 4 इंची। तो 4 इंची का हम लिख लेंगे। चलिए, ये भी कंप्लीट हो गया। अब बचा है क्या, 3 इंची बचे और 2 इंची के बचे। 3 इंची में ये 800 वाला है, ये 200 वाला है, तो 800 वाला क्या होगा, बड़ा होगा। उसके बाद क्या है, ये भी ख़त्म हो गया। बचे क्या, 3 इंची, 2 इंची, 1 इंची, 2 इंची। तो 3 इंची क्या हो गया, इसमें इन सब में सब इन चार आदत में बड़ा कौन सा है, 200 बड़ा है। चलिए, ये भी ख़त्म हो गया। अब बचे क्या, 5 बचा, 98 बचा और 17 बचा। 98 और 17 2 इंची है, तो हम क्या करेंगे, हिंसे दोनों में मसावी हैं, तो हम क्या करेंगे, हिंसों की तादाद दोनों में मसावी है, तो इसके बड़े मुकाम को देख लेंगे। ये 98 में ये 9 है, यहाँ पर 1 है, 9 1 से बड़ा होता है, तो 98 क्या है, यहाँ पर बड़ा है। अब बचा क्या, 1 इंची बचा, 2 इंची बचा, 2 इंची वाला क्या होता, बड़ा होता। चलिए, उसके बाद बच गया क्या, 5। इस तरह हम आदत को तरतीब देते हैं, नुजूली तरतीब यानी कि घटती हुई तरतीब। देखिए आप, पहले 1295, उसके बाद 1000, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको तरतीब क्या होगी, घटती हुई महसूस होगी। तो ऐसी तरतीब को हम क्या कहेंगे, नुजूली तरतीब कहेंगे। आदत की तरतीब दो तरह की है, सऊदी तरतीब और नुजूली तरतीब। सऊदी तरतीब को हम इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे और नुजूली तरतीब को इंग्लिश में हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। सऊदी तरतीब के लिए एक और लफ्ज़ का भी इस्तेमाल होता है, बढ़ती हुई तरतीब। नुजूली तरतीब के लिए एक और लफ्ज़ का भी इस्तेमाल होता है, घटती हुई तरतीब। यहाँ पर घटती है वो आप सऊदी तरतीब में, बढ़ती हुई तरतीब में हम लिखते हैं आदत को। उम्मीद के आज का ये सेशन, हमारे 3 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।